हर दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत से भाई बेनिफिशियरी पोर्टल का ऑपरेटर आईडी लिए हुए थे, कुछ भाई पैसे देकर ऑपरेटर आईडी लिए हुए थे, कुछ भाई फ्री में रोल ऐड किए थे, उनका अप्रूव हो गया था, लेकिन अभी एक दो दिन पहले से ही सबका आईडी जो है वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, उनको इस फेस का सामना करना पड़ रहा है। करेक्ट रोल इज नॉट मैप्ड इन यूएमपी एप्लीकेशन या फिर कुछ और इवेंट उनके सामने देखने को मिल रहा है और उनका आईडी जो है रिजेक्ट हो गया है। तो उनकी आईडी रिजेक्ट क्यों हुई है और इसका क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट और से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आपकी भी आईडी रिजेक्ट हो गई है, अभी पैसे देकर या फिर फ्री में आपका कार्ड अप्रूव हुआ था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आईडी रिजेक्ट क्यों हुई है, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे कोई नया टैब ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको नया टैब ओपन करने के बाद टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in। आपको इतना लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ आपको ऑपरेटर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी आपको यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन आपको पासवर्ड, मोबाइल ओटीपी या फिर आधार ओटीपी के माध्यम से आपको लॉग इन होना है। आप देखते हैं मोबाइल नंबर को टाइप करके वेरीफाई लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल गया, तो पासवर्ड यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। जो भी पासवर्ड आपका पासवर्ड टाइप करिएगा, कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर शो हो रहा है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे कैप्चा कोड आपको लाइव पूरा प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आपका क्या सोल्यूशन है, कैसे आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैप्चा कोड भी डाल दिए, लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉग इन नहीं हो रहा है। तो ये जो आईडी थी पहले अप्रूव थी, लेकिन अभी एक दो दिन से ये आईडी को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे आपको सोल्यूशन करना है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आईडी क्यों रिजेक्ट हुई है पहले वो जान लेते हैं। तो बहुत से भाई ऐसे थे जो यहाँ पे ऑपरेटर आईडी तो ले लिए थे, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलत ही कर रहे थे, जैसे कि ऐड मेंबर में जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी ऐड कर दे रहे थे ओटीपी के माध्यम से। तो ये जो गवर्नमेंट है उसको सही नहीं लगा, ये जो बेनिफिशियरी का एनएचए का पोर्टल है उनको सही नहीं लगा, उनको एरर लगा, तो कुछ वहाँ पर ऑपरेटर बीआईएस का ही ऑप्शन को डिलीट कर दिए, ताकि जिनका भी ऑपरेटर आईडी का ऑप्शन था वो पूरा पूरा रिजेक्ट हो गया। कोई एक एक लोग का रिजेक्ट नहीं किया गया है। जैसे कि आप जिस भी रोल से लिए हुए थे उसमें ऑपरेटर बीआईएस और बीआईएस का जो लास्ट का ऑप्शन रहता था ना, उसी ऑप्शन को ही डिलीट कर दिया गया है। उसमें गलती किसकी थी, गलती हमारी ही थी। जैसे कि हम आईडी ले लिए हैं और किसी का रॉन्ग ऐड मेंबर कर देते थे, जैसे कि मान लीजिए अगर फैमिली में चार मेंबर हैं तो उसमें हम पांच लोग को छह लोग को ऐड कर दिए, तो क्या गलती थी, इसीलिए इसी तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। और जिन भाइयों का भी रिजेक्ट नहीं हुआ, कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनका भी बचा हुआ है, अब चल रहा है ऑपरेटर आईडी, उनका भी एक दो दिन या चार छः दिन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी आपको आईडी क्या करना है पहले आपको उसको बता देते हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है, उसके लिए आपको फिर से बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। बेनिफिशियरी पे फिर से क्लिक करिएगा, फिर से आपको ऑपरेटर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे साइनअप का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको साइनअप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब साइनअप वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिएगा फिर से एक नया पेज ओपन होगा, नया पेज ओपन हो जाने दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, उसका क्या सोल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पे चलिए बताते हैं। साइनअप वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन देखने को मिल गया है, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे केवाईसी एनरोल, आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन का नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या फिर यूजर आईडी को टाइप करना है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर को टाइप करके वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड या फिर ओटीपी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ऑथेंटिकेशन में आपको सिलेक्ट करिएगा, पासवर्ड को टाइप करिएगा, कैप्चा कोड टाइप करके आपको यहाँ पे पहले लॉगिन हो जाना है। जब लॉगिन होते हैं तो यहाँ आपका रोल, जो आपका रोल है वो आपको रोल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोल है, ये रोल आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रोल है, आपको यही इसी तरीके से रोल को फिल नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे रोल में जो ऑपरेटर बीआईएस है, इसी को डायरेक्ट डिलीट किया गया है। तो जितना भी इनके हिसाब से रोल था वो रोल को डिलीट कर दिया गया है। तो बहुत से भाई ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में एंटिटी नेम में क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन था ऑपरेटर बीआईएस का, वो भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या करना है, इसको पहले यहाँ से अब रोल को थोड़ा सा वेट कर लेना है, इसको छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद हम आपको दो नए रोल बता रहे हैं, नए रोल को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है, आपको 5 से 10 दिन वेट करना है, ठीक है। आपकी आईडी जो है फ्री में अगर अप्रूव हो जाएगी तो सही है, नहीं तो आपको किसी को भी पैसे दे के ऑपरेटर आईडी नहीं लेना है, क्योंकि कौन सी आईडी कब डिलीट हो जाए ये आपको कोई भरोसा नहीं है। चलिए हम आपको नया एक
दो रोल बता देते हैं, वो रोल को आपको अभी तक जो अभी चल रहा है, कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरे पास मैसेज किए हुए थे कि भाई मेरा अभी तक चालू है, तो उनका हम रोल मांग के आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वही रोल आप ऐड करिए। और आपको थोड़ा सा वेट करिए, किसी को भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको 2-4-10 दिन में वेट करिए, आपका जो आई डी है वो अप्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर फटाफट बता देते हैं कि कौन सा वो रोल है। ऊपर ही देखने को मिलेगा ऐड रोल, आपको फिर से ऐड रोल पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पेरेंट एंटिटी में आपका अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको SHC यूपी लिखना है। यूपी लिखने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने मिलता है डिवीजन, आपको डिवीजन को सिलेक्ट करना है। डिवीजन लिख के सर्च कर लीजिएगा, डिवीजन सेलेक्ट करिएगा। अब आपको नीचे में क्या लिखना है, एंटिटी नेम का जो ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको टाइप करना है SHA, ठीक है, SHA ऑपरेशन इतना लिखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे SHA ऑपरेशन आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ आपको देख मिलता है यूजर रोल का एक ऑप्शन, आपको यूजर रोल पर क्लिक करना है। यूजर रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑपरेटर को टाइप करना है, ऑपरेटर BIS को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको BIS को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो ये रोल है, ये रोल अभी तक चल रहा है तो अभी तक ये रोल डिलीट नहीं हुआ, क्या करना है इस रोल को ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रोल को टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस रोल को ऐड कर लीजिएगा। जब ये रोल आपका ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद आप बस सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अगर किसी का कॉल भी आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप किसी को अगर पैसा देते भी हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था तो पहला पैसा दे दिए, पहले उन लोग को भी पता नहीं था कि भाई आईडी डिलीट हो जाएगी जो आपका करवाए हुए हैं, ठीक है, उनको भी पता नहीं था तो इसलिए आईडी डिलीट हुई, तो उनको भी गलती नहीं है। तो अभी आपका आईडिया है तो ये रोल आपको ऐड करना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये आईडी जो है वो फ्री में अप्रूव हो जाएगी। तो जैसे फ्री में आपका अप्रूव हो जाएगा तो आप उसको यूज करिए, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक चलेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि बहुत इमरजेंसी है, बहुत भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए सोचिए एक वीडियो बना दें कि भाई अब आपका एक रोल हम आपको दे देते हैं जो कि फ्री में अप्रूव हुआ है एक भाई का। तो हम आपको सोचे कि ये रोल आपको दे देते हैं, ये रोल आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद और आपको यहाँ पे इस रोल को आप जब ऐड कर लीजिएगा, ये आपका आपका रोल अप्रूव हो जाता है, तो जब तक ये BIS का ऑप्शन रहेगा तब तक आपका ये ऐड रोल चलेगा, ठीक है। अब आपका जो पहले का आईडी है वो जब जैसे ही रिजेक्ट हुआ है आपको यहाँ पे बार बार चेक करते रहना है कि हाँ यूजर रोल में आपको ऐड रोल में जाके देखते रहना है कि आपका यहाँ पे ऑपरेटर BIS का अगर ऑप्शन आ जाएगा तो उम्मीद है आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे वेट करना है और इस तरीके से यही सॉल्यूशन है कि आपको यहाँ पे या फिर आप ऐड रोल में जाकर वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि किसमें यूजर रोल का ऑप्शन में BIS देखने को मिल रहा है। तो आपको 3-4 रोल इसी तरीके से ऐड करना है और आपको किसी को पैसे देना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपके आपकी आईडी जो है फ्री में अप्रूव हो जाएगी तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और अभी आप पैसे देकर किसी को यूज मत करवाइए, अप्रूव मत करवाइए, क्योंकि आपकी आईडी फिर से कब रिजेक्ट हो जाएगी वो कोई गारंटी नहीं लेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।